नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज़। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर के मानगो टिमना रोड में जारी है आवारा कुत्तों का आतंक। आदमखोर कुत्तों ने बनाया 4 बच्चों को अपना निशाना। वहीं कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में नहीं है एंटी रेबीज की दवा। गरीब परिवार असहाय। परसुडे स्थित सदर अस्पताल में जिला सर्वेलांस पदाधिकारी डॉक्टर साहिर बॉल के नेतृत्व में जिले के 9 ब्लॉक के आरबीएस मेडिकल ऑफिसरों के लिए हुआ वर्कशॉप का आयोजन। संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए डॉक्टरों को दिया गया टिप्स। जमशेदपुर स्थित प्रखंड कार्यालय परिसर के पंचायत भवन में 14वें वित्तीय आयोग के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आयोजित की गई विशेष बैठक। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हुए शामिल। गरीबों के लिए बनाया गया है आयुष्मान कार्ड, पर कई गरीब हैं इससे अछूते। भालूवासा हरिजन बस्ती निवासी संजय मुखी के बेटे को है किडनी की बीमारी, पर कार्ड नहीं बनने के कारण नहीं हो रहा है इलाज। इतने गरीब हैं कि किडनी का इलाज कराने में खुद है अक्षम। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के मानगो में कुत्तों का आतंक जारी है। मानगो के टिमना रोड में आदमखोर कुत्तों ने 4 बच्चों को अपना निशाना बनाया। वैसे 2 बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे, तभी कुत्ते ने हमला कर दिया। जब तक बस्ती के लोग इस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचते, तब तक अपनी माँ के साथ जा रहे भाई बहन पर भी कुत्तों ने हमला बोल दिया। उधर घायलावस्था में सभी बच्चों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि अस्पताल में दवा नहीं है और एंटी रेबीज दवा नहीं होने के कारण अस्पताल के डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि बाहर से दवा खरीद कर आप इलाज करवाएं। वहीं चारों के चारों बच्चे काफी निर्धन हैं और गरीब होने के कारण इलाज कराने में असमर्थ हैं। उधर इस मामले में हमने एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक से बात की, तो अधीक्षक का सीधे तौर पर कहना है कि एंटी रेबीज दवा का सप्लाई नहीं है और यही कारण है कि मरीजों तक दवा नहीं पहुंच पा रही है। अस्पताल के अधीक्षक सरकार की लापरवाही पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल कि इतने बड़े अस्पताल में अगर दवा नहीं है तो अस्पताल प्रबंधन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं अपनाई, जबकि अस्पताल प्रबंधन को दवा खरीदने का पैसा सरकार देती है। से ये सप्लाई मिलता था कॉरपोरेशन से, सप्लाई मिलना बंद हो गया तो हम लोग यहाँ इमरजेंसी में लोकल परचेज करके इसको सप्लाई करते। परसुडे स्थित सदर अस्पताल परिसर में जिला सर्वेलांस पदाधिकारी डॉक्टर साहिर पाल के नेतृत्व में जिले के 9 ब्लॉक के आरबीएस मेडिकल अफसरों के लिए एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में मेडिकल अफसरों को विभिन्न तरह के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जहां डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, स्वाइन फ्लू, H1N1, मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस, निपा वायरस बीमारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। वर्कशॉप में बताया गया कि इन बीमारियों का जड़ क्या है, साथ ही इन बीमारियों की रोकथाम के लिए किस प्रकार से कार्य करना है ताकि बीमारियों को पनपने नहीं दिया जाए, उसे जड़ से खत्म किया जा सके। वहीं डॉक्टर साहिर पाल ने बताया कि कभी कभी जाने अनजाने में कोई भी बीमारी अपना विकराल रूप धारण कर लेती है, जिसकी चपेट में अनगिनत लोग आ जाते हैं। वैसी परिस्थिति से निपटना बेहद मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया वर्कशॉप के माध्यम से 9 ब्लॉक के मेडिकल अफसरों को बताया जा रहा है कि सबसे पहले ये पता करें कि संबंधित बीमारी के कारण क्या है। पता लग जाने पर उन कारणों को सर्वप्रथम खत्म किया जाए ताकि बीमारी को शुरुआती दौर में ही खत्म किया जा सके। दिवसीय एक दिन का IDSP के तहत एक वर्कशॉप है जो ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें RBSP के डॉक्टर्स और भी कुछ स्टाफ से जो सारे ब्लॉक से बुलाया गया है, ताकि ये जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे बीमारियों का पता लग सके और कैसे बीमारियों के रोकथाम के लिए हम लोग क्या उपाय लगा सकें, क्या उपचार कर सकें उसके लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को डायरिया हो गया और वो बहुत देर से पता लगता है तो ज़्यादा लोग इफेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर यहाँ जितने लोग आए हैं, अगर उनको सर्वेलेंस सिस्टम के बारे में मालूम होगा कि कैसे बीमारी की निगरानी करनी है, कैसे अगर एक इंसान को अगर डायरिया हुआ वहाँ पर और वो फैल रहा है तो किस वजह से फैल रहा है, पानी दूषित है उस वजह से फैल रहा है या कुछ खा लिया है उस वजह से फैल रहा है,
तो ये पता लग सकता है, उसका सैम्पलिंग हो सकता है और सैंपल लेके जो रेफरल लैब है गवर्नमेंट का उसको भिजवा सकते हैं कि उसमें जाके अपना पता लग सके कि एक्चुअली ये बीमारी जो हुई है किस वजह से हुई है, ताकि इसका रोकथाम आसानी से हो सके। जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित पंचायत भवन में 14वें वित्तीय आयोग के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक का आयोजन पंचायती राज पदाधिकारी व्रास बिहारी चौबे के नेतृत्व में किया गया। बैठक में विभिन्न पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव व कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल थे। इस दौरान 14वें वित्तीय आयोग के तहत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। खासकर विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्ट्रीट लाइट के प्रतिस्थापन, ग्रामीण क्षेत्रों में पेवर्स ब्लॉक, सड़क निर्माण समेत 3 योजनाओं के संबंध में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। ये 14वें वित्त आयोग में कुछ योजना है सरकार की, उस योजना के बारे में बताने के लिए हम बैठक बुलाए हैं। इसमें है ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट का प्रतिष्ठापन, दूसरा है सौर ऊर्जा संचालक पेयजल योजना और तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में पेवर्स ब्लॉक का आधारित सड़क का निर्माण। ये योजना है, ये तीनों योजना का क्या एस्टिमेट होगा, किस तरह से क्रियान्वयन होगा, इसके लिए क्या करना होगा, इसी संबंध में बताने के लिए आज हम मुखिया जी, पंचायत सचिव और कंप्यूटर ऑपरेटर तीनों का संयुक्त बैठक हम लोग बुलाए हैं, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहे इस बारे में, आप पूरी तरह से उन्हें समझ, इसीलिए आज का हम लोग बैठक। भालूबासा हरिजन बस्ती निवासी संजय मुखी अपने बेटे के इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। इनका कहना है कि बेटे के किडनी में इन्फेक्शन है, इलाज के लिए अस्पताल में आयुष्मान कार्ड की मांग की जा रही है और कार्ड नहीं बनने के कारण इनके बेटे का इलाज नहीं हो पा रहा है। ये बताते हैं कि राशन कार्ड में नाम नहीं होने की वजह से आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। वहीं इन्होंने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री आवास भी गए, जहां से उन्हें एक पत्र भी दिया गया, लेकिन बावजूद इनके पुत्र का इलाज नहीं हो रहा है। ये बताते हैं कि वे खुद इतने सक्षम नहीं है कि किसी निजी अस्पताल में खुद खर्च कर अपने बेटे का इलाज करवा पाए, इस कारण से उन्हें मदद की जरूरत है। शुक्रवार को अपनी समस्या को लेकर इन्होंने उपायुक्त से मुलाकात की, साथ ही अपने पुत्र के जान को बचाने की गुहार लगाई। पीएम का घर भी गए हैं और डीसी ऑफिस में भी आए हैं। कितना बार मेरा लड़का का बारे बोले कि किडनी में प्रॉब्लम है, सबको सुनाए। और राशन कार्ड में नाम जुड़ेगा तो आयुष्मान में मेरा बच्चा का इलाज हो जाएगा बोल के मारसी में बोला गया। एसपी से मिले, डीडीसी में से मिले, डीएसपी से मिले, सीएम का भी घर से मिले, लेकिन अभी तक मेरा लड़का का राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़ा रहा। मैं सब कुछ कागज रखा हूँ, ये भी कागज रखा हूँ, मेरा लड़का का नाम चढ़ मैं कुछ नहीं, आयुष्मान में मेरा नाम चढ़ जाएगा, मारसीए में कर देगा वो लोगों ने बोला है, खाली ऑनलाइन में नाम चढ़ाने बोला है। तो मैं आधार कार्ड का ये भी लेके आया हूँ, वहाँ पर आधार कार्ड मांग रहा है, आधार कार्ड का बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बच्चा का लिए कुछ नहीं कर सकते लोगों बोल रहे हैं सरकार, अब कौन करेगा तब बोते ही सर आप। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार, सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें। सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा,
18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। बाद हम फिर हाजिर हैं। पसूड स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में 14 दिवसीय एनसीडी प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया, जिसमें सीएचओ और डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 14 दिवसीय ट्रेनिंग के पहले दिन थ्योरी बताई गई, 13 दिन प्रैक्टिकल होना है, जिसमें महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन के लिए सैंपल कलेक्शन करना, अगर कोई प्राइमरी स्टेज में इस रोग से ग्रसित हैं तो उन्हें आगे ट्रीटमेंट के लिए भेजना, जिले के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भ्रमण कर ये जानना कि किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है ताकि सीएचओ को पता चल पाए कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का फंक्शन क्या होता है। इतना ही नहीं, उन्हें सी फॉर्म भरने एवं टैब के माध्यम से पोर्टल में एंट्री करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंतर्गत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सब देखा गया कि 60% डेथ्स जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हो रहे हैं, जो कि बहुत नेग्लेक्टेड है। लोग सिम्टम्स देख करके सोचते हैं कि बीमारी हो गया है, पर बिना सिम्टम्स के ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन लोगों में हो रहा है। तो इसलिए ये सिम्टम्स होने से पहले अगर लोगों को स्क्रीन कर दिया जाए, जैसे 30 के ऊपर हर महिला और पुरुष को अगर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए स्क्रीन कर दिया जाए तो उन्हें पहले से पता हो जाएगा कि हाँ, इन्हें डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो अर्ली स्टेज में इसका डिटेक्शन और ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। इसी तरह से कैंसर, 3 तरह के आम कैंसर, ओरल, ब्रेस्ट एंड महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर है, ये भी बहुत समय से अगर रहता है और लोगों को पता नहीं होता है तो इसका कुछ सिम्टम्स वगैरह बताते हुए हम लोग अगर अर्ली स्टेज में इसको स्क्रीन कर दें तो लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ, कैंसर हो सकता है या इसे क्या प्रिवेंट किया जा सकता है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के नए सत्र की शुरुआत शुक्रवार से हुई। इस दौरान सभी नए छात्रों को कॉलेज के प्राचार्य ने संबोधित किया, साथ ही उन्हें कई नियमों से भी अवगत कराया गया। इस दौरान जमशेदपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश शुक्ल उपस्थित थे। इस नए सत्र में पूरे कुल्हान से परीक्षा में शामिल हुए मेधावी छात्रों को मौका मिला है, जो अब कॉलेज में लॉ की पढ़ाई पूरी करेंगे। नए सत्र की शुरुआत में कॉलेज के शिक्षक तथा प्राचार्य छात्रों से रूबरू हुए। इस दौरान शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश शुक्ल शामिल रहे। इन्होंने इस संबंध में कहा कि छात्र अच्छी शिक्षा ग्रहण कर जीवन में काफी आगे बढ़े, यही उनकी कामना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉलेज के आधारभूत संरचनाओं में परिवर्तन लाकर इसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज का नया सत्र का आज शुभारंभ है। नया लॉ कॉलेज का जो नया सत्र शुरू हो रहा है उसका शुभारंभ हो रहा है। इसमें जो कोल्हान के मेधावी छात्र हैं उनको परीक्षा के बाद अवसर मिला है और मुझे लगता है कि न्यायिक क्षेत्रों में, कानूनी क्षेत्रों में या विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग
इसमें से बेहतर कर पाएंगे वो आगे बढ़ेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ेंगे। एक अवसर है, अवसर मिला है और इसको अस्थाई संबद्धता मिले इस कॉलेज को, इस दिशा में भी हमारा सार्थक प्रयास है कि कैसे अस्थाई संबद्धता इसको दिलाई जाए, कैसे कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज में आधारभूत संरचना बढ़े, इस दिशा में भी हम सब सार्थक प्रयास कर रहे हैं और अधिक से अधिक इस दिशा में कोशिश होगी। इसलिए आज जो सत्र शुभारंभ हो रहा है उसके लिए सबको शुभकामनाएं, खासतौर पर छात्रों को, यहाँ के शिक्षकों को और यहाँ शिक्षकेतर कर्मचारियों को, और इसी तरह से इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का इस कॉलेज के दिशा में वो काम करें, इसके लिए बेहतर तरह से तरीके से उनके लिए उनको शुभकामना है। जमशेदपुर के कदमा निवासी निशा कुमारी ने अपने ससुराल वालों पर शादी के एक सप्ताह के बाद से ही प्रताड़ित करने का मामला कदमा थाने में दर्ज कराया, जहां न्याय नहीं मिलने पर परिजनों ने वरीय पुलिस आरक्षी अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया। बताया जा रहा है कि निशा कुमारी की शादी भाटिया बस्ती के निवासी आनंद कुमार राम के साथ 2018 के जून में हुई थी। शादी के 4 दिन बाद से ही उसके पति एवं ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। 12 फरवरी को किरासिन तेल डालकर उसे जान से मार डालने की कोशिश की गई। इस संबंध में 14 फरवरी को कदमा थाने में केस दर्ज हुआ, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने पर निशा कुमारी अपने परिजनों के साथ वरीय पुलिस आरक्षी अधीक्षक के कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि शादी के 4 दिन बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसकी शिकायत कदमा थाने में करने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। परिजनों ने वरीय पुलिस आरक्षी अधीक्षक से जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की मांग की। एक्चुअली मैं SSP से मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि कदमा थाना में 10 दिन पहले मैं अपना केस लेकर गई थी, पर वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके लिए मैं न्याय के लिए यहाँ पर आई हूँ। 12 फरवरी को मुझे मेरी सास ने मुझे जलाकर मारने की कोशिश की थी। वो मेरे शादी को केवल 8 महीने हुए हैं। 24 जून 2018 को मेरी शादी हुई थी। शादी के 4 दिन से ये लोग मुझे परेशान करने लगे थे पैसे के लिए। मुझे घर पे बंद कर रखा जाता था, मुझे किसी से बात तक नहीं करने दिया जाता था, मुझे पूरी तरीके से कैद की तरह रखा जाता था, मुझे मेरे माँ बाप से बात करने नहीं दिया जाता था। बाहर निकलने से उस पर भी वो परेशानी ये करती थी, छुआछूत बहुत तरीके के वो मेरे साथ मानसिक रूप से मुझे प्रताड़ित करती थी। आफ्टर मैरिज इन लोग की सारी कार नहीं दिया, AC नहीं दिया, इस तरीके के इन लोग का डिमांड चालू हो गया और हमेशा मुझे इस चीज़ को लेकर ताने दिया करते थे और अपने बेटे को ये बोलते थे कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं इस लड़की से पीछा छुड़ाकर तेरी दूसरी शादी कराऊंगी। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रवि की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी जल्दी करो। आई बाबा, आई। पापा। बेटा ठीक से रहना। हाँ मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जम्मू कश्मीर में लगाए गए धारा 370 को हटाए जाने की मांग सामाजिक संस्था लगातार कर रही है। उधर आतंकी हमले के बाद स्कूली छात्र छात्राओं ने भी जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने की मांग की। नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ने रैली निकाली और उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति से जम्मू कश्मीर में लगाए गए धारा 370 को हटाने की मांग की। फोरम की मांग है कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने के बाद आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि धारा के कारण ही वहां की सेना बनी हुई है। उधर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने को लेकर लोगों में उबाल देखा जा रहा है। हम लोग यहाँ पर धारा 370 को तोड़ने के लिए आए हैं। हम ये चाहते हैं कि कश्मीर को जो दोहरी नागरिकता मिली हुई है उसको हटा दिया जाए। जब हम कहते हैं कि भारतीय एक है, हमारा देश एक है, तो यहाँ दोहरी नागरिकता क्यों? शायद पता ना हो, धारा 370 की वजह से आज भी कश्मीर में कोई उद्योग धंधा नहीं लगता। वहाँ के लोग युवा जो है वो बेरोजगार है। बेरोजगारी के कारण वो किसी न किसी जो पाकिस्तानी जो गलत रास्ते पर चलता है वो उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं। अगर ये 370 धारा टूटेगी तो वो भी भारत में आएंगे, उद्योग धंधा लगेगा। और 370 की सबसे बुरी बात यह है कि कश्मीर की युवती अगर भारत के किसी राज्य की किसी लड़की से शादी करे तो उसकी कश्मीरी जो नागरिकता वो समाप्त हो जाती है। लेकिन इसके विपरीत अगर वो पाकिस्तान की किसी लड़की से शादी करे तो उस पाकिस्तानी लड़के को कश्मीरी नागरिकता मिल जाती है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो हम लोग इसके विरुद्ध है। 370 धारा टूटनी चाहिए, देश में समानता आनी चाहिए। शहर में स्काउट डे बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्काउट एंड गाइड के कैडेट्स ने सेंटर में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। जमशेदपुर स्थित कार्यालय में इसका आयोजन किया गया, सभी कैडेट्स इसमें शामिल हुए। उधर इस मौके पर पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। पेंटिंग प्रतियोगिता के जरिए पर्यावरण को दूषित होने से बचाना, साथ ही देश की रक्षा कैसे करें, सीमा पर प्रहरी किन मुसीबतों से देश की रक्षा कर सकते हैं, इसकी जानकारी दी गई। वहीं इस दौरान कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। लॉर्ड स्टीवेंसन स्मिथ बेडन पावल का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य पे पूरे विश्व में चिंतन दिवस फाउंडर दिवस के रूप में सभी जगह पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। आज भारत स्काउट्स एंड गाइड्स सिंहभूम जिला ने भी विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है, जिसमें आज शुभारम्भ आज हमारा जो शुरू हुआ है सर्वधर्म प्रार्थना से, जो हमारे सैनिक जो हमारे मारे गए हैं उनके ऊपर श्रद्धांजलि देते हुए सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हमारे सभी जाति धर्म के लोग एक होकर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया। उसके बाद हमारे बच्चे फ्लैग होस्टिंग किए, झंडे फहराया गया स्काउट एंड गाइड्स का, और विभिन्न प्रतियोगिताओं का मैं भाग लिया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर, विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान,
गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास। हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वें वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किशुंडी कुकड़ू में तालाब निर्माण के विरोध में जमीन मालिकों ने करंडे स्थित भूमि संरक्षण पदाधिकारी के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। जमीन मालिकों के अनुसार आनंद महतो की 9 एकड़ जमीन किशुंडी कुकड़ू में है, जो कि ईचागढ़ विधानसभा के अंतर्गत आता है। उस जमीन पर वंशजों के बीच पिछले 16 वर्षों से विवाद चले आ रहा है, जिसमें कई बार गवाही हो चुकी है। वर्तमान समय में जमीन विवाद का मामला न्यायालय में लंबित है। उसके बावजूद आनंद महतो के पुत्र गेंदू व मंगल महतो के वंशज गलत तरीके से वंशावली दिखाकर उक्त जमीन पर तालाब निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उनके अनुसार इस संबंध में पिछले वर्ष भूमि संरक्षण पदाधिकारी से मुलाकात कर तालाब के निर्माण कार्य को रुकवाने का आग्रह किया गया था। इसके बावजूद उनके द्वारा गलत वंशावली दिखाकर कार्य को किया जा रहा है। ये बात तालाब बंद करने के लिए अनशन पर बैठे हैं, गांव की झुंडी ईचागढ़ विधानसभा पर हैं। इसमें आपका सीओ का भी है, ग्राम प्रधान का भी है, भूमि संरक्षण पदाधिकारी का भी मिली भगत है, जो कि हम लोग ऑफिस में डाले थे। डालने के बावजूद कहा कि बांध तालाब खुदाई बंद हो जाएगा, नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्शन के बावजूद भी बांध खुदाई चालू हुआ है। ये था आपका 26/12/2018 लेकिन फिल्म चालू है। प्लीज़, हाँ, ऑब्जेक्शन के बावजूद ये जमीन जो है ये न्यायालय में विचाराधीन में है, सरायकेला जिला न्यायालय में। इसका खतियान भी है मेरे पास। जमशेदपुर में टाटा स्टील तथा अलग अलग कंपनियों के महिला कर्मचारियों में खेल को बढ़ावा देने हेतु जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1 दिवसीय स्पोर्ट्स मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई। लगातार 4 वर्षों से इसका आयोजन हो रहा है। मेले का उद्घाटन टाटा स्टील के वरीय अधिकारियों ने किया। इस दौरान पहले जुम्बा डांस पर महिलाएं जमकर थिरकती नजर आई, जिसके बाद खेल का प्रारंभ हुआ। 1 दिवसीय स्पोर्ट्स मेले में कई अलग अलग स्पर्धाओं के खेल आयोजित किए गए। आयोजकों के अनुसार जमशेदपुर में बड़ी संख्या में महिलाएं कंपनियों में कार्यरत है और उन्हें मानसिक तनाव से मुक्त करने तथा शारीरिक रूप से फिट रखने के उद्देश्य से इस स्पोर्ट्स मेले का आयोजन किया जाता है और इसमें शहर के तमाम कंपनियों से महिला कर्मचारी बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। ये एक इनिशिएटिव है टाटा स्टील का, जो एंड ये हर साल, ये 4th साल है जब हम लोग ये एनुअल वुमेन्स स्पोर्ट्स मेला करते हैं, जहां हम जमशेदपुर बेस्ड और टाटा स्टील और सभी ग्रुप कंपनी के महिला कर्मचारी को बुलाते हैं, ताकि उन्हें कुछ आनंद का मौका मिले, स्पोर्ट्स में खेले, स्पोर्ट्स खेले और कनेक्ट करने का मौका मिले, सब एक दूसरे को जाने। और हम लोग सोचते हैं कि स्पोर्ट्स के ज़रिए ही एक तो वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और गुड ह्यूमन बीइंग बनते हैं, और स्पोर्ट्स के ज़रिए आपका हेल्थ इम्प्रूव होता है, तो आप वो एक एम्पावर्ड वुमेन के हिसाब से आप जाने जाते हैं। जैसे आपका एज वाइज इवेंट्स भी हैं, टग ऑफ वॉर भी है, जैसे आपने देखा एक जुम्बा वार्म अप था, और छोटा छोटा बहुत सारा इवेंट्स है हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कंडक्ट करा रहे हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो, या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो, तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए MG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।